तो भाई बांद्रा टर्मिनस उतर गए थे हम और उसके बाद अपने जो हॉस्टल है उसमें चेक इन किया, लेकिन अभी उधर का टाइम अभी है नहीं आने का, इसलिए ऐसे घूमने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं वर्सोवा मेट्रो पकड़ के और उसके बाद जो भी सीन होगा वो आपको आगे दिखाते हैं। तो मेट्रो सेम ही है, दिल्ली जैसी है, पर दिल्ली की बेटर है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं वर्सोवा बीच, पर इतना नहाने वाला बीच है नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा फिशिंग वगैरह हो रही है, पर लोग अपना पता नहीं मेरे ख्याल से क्रियाक्रम वगैरह का सामान यहाँ छोड़ रहे हैं पीछे। और ये पीछे ही थोड़ी बहुत लहर है, थोड़े से हमने पैर भी खोलिए। बाकी आगे जो एक उसका जो स्पॉट है वहाँ पर बता रहे हैं हेरा फेरी की शूटिंग वगैरह हुई है, तो एक बार वो भी देख के आते हैं और वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपसे आगे मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और आसपास की जो भी जगह है देखने, वो भी जो आसपास होगा उसे कवर करेंगे। अभी हमें अंधेरी के मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से आगे हम लेंगे जो मुंबई की जान है लोकल, उस पर, और उसके बाद आगे जाएंगे गेटवे के देखने। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर आपको, मैं बोलता नहीं हूँ आज, मैंने सोचा बोल दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे मिलते हैं आपसे। हाँ उधर ही है। इंट्रो कर दिया। बन रहा है या। तो भाई अंधेरी से CST की 10 रुपये की टिकट थी, 20 रुपये आना जाना। तो अभी वेट कर रहे हैं, बस इस खतरे में थोड़ा डर है कि पीछे आप ट्रेन, देखो ट्रेन आ रही है, कि कहीं हम फर्स्ट क्लास में ना चढ़ जाएं, क्योंकि फर्स्ट क्लास का चार्ज लग जाएगा फालतू में। और सेकंड क्लास की हमने टिकट ली है, तो अब आगे देखते हैं कि ट्रेन कब आती है और अंदर का क्या सीन रहता है। फर्स्ट आ गया, फर्स्ट में ऐसा क्या है भाई? गाइस फाइनली हम बैठ गए हैं CST की ट्रेन में और बड़ाला से हमने एक्सचेंज करी है। और काफ़ी अच्छी सर्विस है ट्रेन की यहाँ पे, जो पीछे का आप देखो। और अभी आपको CST पहुँच के आगे का नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे। तो गाइस आ गए हैं CST पर। फिजू भाई तो मिले नहीं, बट बॉम्बे नेक्स्ट टाइम कमिंग आई विल मीट फिजू भाई। तो CST आ गए हैं भाई। ओ ये फालतू के लोग आ रहे हैं, और CST अभी पहुंच गए हैं। अब CST के बाद बाहर देखेंगे क्या घूमने को है और कोशिश करेंगे जल्दी जाने की। लेकिन मुंबई में गर्मी बहुत है भाई, दिल्ली में फिर भी ठंडक है लेकिन मुंबई में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोशिश ये करना कि शाम को ही निकलो, मतलब शाम को निकले, सुबह तो आपका पारा हाई हो जाएगा चीज़ों को लेके, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ये ट्रेन खड़ी, इस ट्रेन में हम आए हैं और अभी बाहर जाके देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे मिलते हैं। Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Hey, you see me on the big screen, looking so clean. तो ये भी पीछे का है CST। कभी एक टाइम था यहाँ पर शाहरुख खान और जो दिल्ली से आए हुए स्टार लोग थे ऐसी स्ट्रगल करते थे, तो कभी क्या पता यहाँ पर घूमे हो। तो 6 रुपये की टिकट है भाई, एसी डबल डेकर है। और अभी जा रहे हैं गेटवे, और गेटवे के बाद दिखाते हैं आपको आगे का गेटवे का रास्ता कैसे। तो ये है भाई पीछे ताज होटल गेटवे के आगे, और पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ गेटवे। अब यही भाई हुआ था अपना वो जो अटैक हुआ था, अब ये किस तरफ से हुआ था ये मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इसी तरफ से कहीं ये गेटवे, पीछे ये ताज होटल। तो एक जानकारी की और मैंने पूछी कि जो दर्शन वाली बस है ना, वो या तो छुट्टी को चलती है सैटरडे संडे शाम को 4 बजे के बाद, तो बेटर है कल। अभी हम देखते हैं, वैसे तो वो पूरी बस वाला करने का प्लान था लेकिन बस वाले में वैसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, शायद ऊबर से मैंने देखा कि 10 घंटे के लिए रेंटल कर सकते हैं कार, और रेंट करने के बाद उसको जहां आपको घुमाना आप उसे घुमाओ, ठीक है। तो वो कल ट्राई करके देखते हैं, अगर बनती है बात तो ठीक, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। पीछे मिलते हैं आगे। अच्छा एक और इन्फो भाई ये कि अगर आप CST से गेटवे आना चाहते हो तो पैदल में तो आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा, 2.2 किलोमीटर। लेकिन बस चलती है वहाँ से, और AC बस 6 रुपये में, और आपको 6 रुपये में उनका जो एंड स्टॉप होगा वो गेटवे ही होगा, तो आप उस बस से भी आ सकते हो। और बेटर वही है क्योंकि इस भाई गर्मी बहुत है यहाँ पे, और AC वगैरह में बैठ के आप आराम से आ पाओगे, नहीं तो जल्दी आपकी हो जाएगी हालत ख़राब, ठीक है। हम यहाँ घूम रहे हैं लोग अपने बंदे बंदियों के साथ, तो हमारी बंदे जर्मनी है, फिर कोई बात नहीं। तो 6 रुपये की टिकट है, आप बस में आ सकते हो, और शीशा पे गाना चल रहा है, वो पीछे आया। और आशा करते हैं कि थोड़ी सी जो आपको स्ट्रीट लाइफ दिखाई है गेटवे के आसपास की आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आई कोई बात नहीं, अगली बार कुछ और अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम जा रहे हैं घर, और कल का प्लान कल बनाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान दें। ये गेटवे बिल्कुल फ्रंट में, और ये ताज होटल से लेते हैं साइन ऑफ। कल मिलेंगे। एक अच्छी चीज़ और भाई कि जैसे बसों की यहाँ लाइन लगती है और नीचे से बंदा टिकट लेता है ना। मोहित, what will you say about this ticketing system, lining? This is very good. Very good. You think it's people are more organized here? Yes. हाँ, तो दिल्ली में थोड़ा बंदे ऐसे नहीं करते, पर यहाँ पर क्या है कि लोग लाइन में लगकर नीचे से आपको कंडक्टर टिकट देता है, और वो टिकट के बाद बस पूरी भर्ती नहीं है, खड़ा होकर कोई नहीं जाता है, जितने लोग बैठ गए वरना वापस। ठीक है, तो देखो ये लाइन लगी हुई है और उतनी ही पीछे लाइन है और ये पीछे ऊपर हुआ है होटल।